नमस्कार, नेशन प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। बताया था कि उनकी सरकार यूपी के विकास के लिए तत्पर है, योजनाओं का बखान भी किया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश को बदलना इतना आसान कहाँ है। यहाँ तो अधिकारियों को मनमानी और लापरवाही की आदत पड़ गई है, अपने पद का दुरुपयोग करने की आदत पड़ गई है, उन्हें कहाँ समझ आएगा किसी का दर्द। उत्तर प्रदेश है कि सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि लापरवाह हो गए हैं जिम्मेदार, यानी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वह अब लापरवाही कर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है कि नियम कायदे भी बनाए जा रहे हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया जा रहा है, लेकिन जब जिम्मेदार ही लापरवाह हो जाएंगे तो बदलाव कहाँ से आएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दबंग जेलर ने बिजली कर्मी न होने पर एक सिपाही को जबरदस्ती टावर पर चढ़ा दिया और उसके बाद जो हादसा सिपाही के साथ हुआ उसने सिपाही की जिंदगी ही बदल कर रख दी। ये रिपोर्ट देखिए। सिपाही की जिंदगी से खिलवाड़, बिजली ठीक करने के लिए सिपाही को टावर पर चढ़ाया, बिजली की चपेट में आकर पूरी तरह झुलसा सिपाही। सरकारी डॉक्टर भी बरत रहे हैं इलाज में लापरवाही। बच्चों संग आत्मदाह को तैयार है एक सिपाही की पत्नी। यूपी में कानून और कानून के नुमाइंदों से लड़ते आम लोगों की हालत आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज कानून के नुमाइंदों को ही यूपी के खस्ताहाल सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। एक महिला अपने सिपाही पति के लिए इंसाफ मांग रही है। उस जेलर के खिलाफ कार्रवाई चाहती है जिसने उसके सिपाही पति की जिंदगी पर ग्रहण सा लगा दिया है। हुआ है जी, मेरे पति जिला जेल कौशाम्बी के एक बंदी रक्षक जो कि सिर्फ जेल वार्डर के काम कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी लाइनमैन का काम नहीं आता, जबकि जेलर साहब ने उनको धमकी दे करके उनको धमकी दी कि अगर नहीं बिजली विद्युत में उनकी ड्यूटी लगाई, वो मना कर दिया सर हमें नहीं आता है। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हारी सर्विस को फिलहाल कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, तुमको नौकरी करवा से। सुना आपने, एक पत्नी का दर्द। ये महिला किसी बदमाश या गुंडे की सताई हुई नहीं है, ये महिला किसी बदमाश या गुंडे की सताई हुई नहीं है, बल्कि इसे वही सिस्टम सता रहा है जिसकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। एक तरफ जेलर ने सिपाही से विद्युत का काम करवा कर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, तो दूसरी तरफ अस्पताल में सिपाही का सही इलाज करने में डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसे में घायल सिपाही की पत्नी अधिकारियों से गुहार लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। महिला अपने घायल पति के दोषियों को सजा और सही इलाज के लिए अफसरों के चक्कर लगा रही है। 4 दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही महिला ने तहसील दिवस में कमिश्नर इलाहाबाद से न्याय की गुहार लगाई और न्याय न मिलने पर सामूहिक आत्मदाह की धमकी दी है। जिला जेल में तैनात बंदी रक्षक सिपाही ब्रिजेश कुमार 1 जुलाई को सर्च टावर की बिजली सही करते समय गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसका इलाज कौशाम्बी के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित जेल सिपाही ब्रिजेश कुमार की पत्नी उषा का आरोप है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहे हैं। घायल ब्रिजेश की पत्नी उषा ने तहसील दिवस में जांच के लिए पहुंचे इलाहाबाद मंडल के कमिश्नर आशीष कुमार गोयल को शिकायती पत्र देकर कौशाम्बी जिला जेल के जेलर पर आरोप लगाया कि उसके पति ब्रिजेश सिपाही के पद पर तैनात हैं।
लेकिन इसके बाद भी उनसे बिजली के टावर की लाइट ठीक करने का काम नियम विरुद्ध लिया जा रहा था, जिसके कारण हुए हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसने कमिश्नर इलाहाबाद से कहा कि वो अफसरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है, उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपने बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। हुआ है जी, मेरे पति जिला जेल कौशाम्बी के एक बंदी रक्षक हैं, जो कि सिर्फ जेल वार्डर के काम कर सकते हैं। उनको इलेक्ट्रिक लाइनमैन का काम नहीं आता, जबकि जेलर साहब ने उनको धमकी दे करके उनको धमकी दी कि अगर नहीं बिजली विद्युत में उनकी ड्यूटी लगाई, वो मना कर दिया सर हमें नहीं आता है। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हारी सर्विस को फिलहाल कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दूंगा, तुमको नौकरी करना सिखा दूंगा, जिसके डर की वजह से हमारे पति भी अगर नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे चलाएगा। जेल के डर की वजह से, उनकी धमकियों की वजह से हमारे पति ने जा करके ड्यूटी अपनी करने लगे, जबकि उनको विद्युत का कुछ आता ही नहीं। जब वो विद्युत बनाने गए, बिजली बिगड़ी थी, देखने गए तब तक उसमें ब्लास्ट हुआ। और तहसील दिवस में शिकायती पत्र मिलने के बाद कमिश्नर इलाहाबाद आशीष कुमार गोयल ने घायल सिपाही का समुचित इलाज और सही प्रबंध करने का आदेश जिला अधिकारी कौशाम्बी को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। और झुलस के आनंद खान में हम लोग लेके जिला अस्पताल में भर्ती हुए और जेलर से मदद मांगी कि सर मैं क्या करूं, आप तो हमारी जिंदगी में आग लगा दिए। जेलर ने बोला कि मैं क्या करूं, तुम्हारी देख करूं, हम चाहते हैं कि हमारे पति को जेलर ने जैसे टॉर्चर किया है वैसे हमारे उसको भी मतलब मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो हमारी एक नहीं सुन रहा। क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने आज मैं कमिश्नर साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं डीएम के लिए डीएम से आदेश कर रहा हूँ, जांच करवा रहा हूँ और आगे की कार्रवाई करूँगा। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को समाप्त कर देंगे। नाम बता दीजिए। उषा यादव पुत्र, उनका बेटा शिवम, बिटिया काजल, ब्रजेश यादव की पत्नी। जब मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे अपने पति। देखा जाए तो इस मामले में पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जेलर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों के खिलाफ जाकर सिपाही को मौत के मुंह में धकेल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाह चिकित्सा विभाग सिपाही के इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में ये खतरनाक सिस्टम यूपी की योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कह सकते हैं अब तो पूरा यूपी ही इंसाफ का इंतजार कर रहा है। स्पेशल डेस्क, नकुल चतुर्वेदी। तो लगातार नेशन लाइव उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर सवाल उठा रहा है और सवाल उठाना जायज भी है। इससे पूरी खबर में आपने देखा होगा कि एक जेलर ने अपनी दबंगई दिखाते हुए, अपनी मनमानी दिखाते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और सिपाही जिसे विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, उसे विद्युत पोल पर चढ़ा दिया, जिसके बाद ये सिपाही हादसे का शिकार हो गया। और दूसरी तरफ चिकित्सक हैं जो इलाज नहीं कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ पीड़ित सिपाही की पत्नी उषा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। उषा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशन लाइव पर। जी उषा जी, पूरा मामला बताइए, विस्तार से पूरा मामला बताइए। मामला है क्या ये पूरा, किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है? सर जी, हमारे पति जो की जेल वार्डर की ड्यूटी करते हैं जी, जिला कारागार में जेल वार्डर की नौकरी करते हैं, जिला कारागार कौशाम्बी जेल वार्डर की नौकरी करते हैं जी जी, जिसमें कि उनको जेल वार्डर का पोस्ट मिला है और बिजली का काम करवाया गया है जी जी, उसमें जेलर साहब जी बिजली का काम इनको डरा धमका करके करवाए हैं जी, इनको बहुत टॉर्चर किए कि अगर नहीं तुम ये इलेक्ट्रिशियन का काम करोगे तो तुम्हारी नौकरी खराब कर दूंगा, जिंदगी खराब कर दूंगा और तुम्हें मैं तुम्हारी सर्विस बुक लाल कर दूंगा। उषा जी, इन जेलर साहब का नाम अगर आपको पता है तो नाम बताएं जरा। आरके सिंह, राजीव आरके सिंह। तो
तो इसके बाद जो और आला अधिकारी हैं उन लोगों से जाकर आपने इस बात की शिकायत की या नहीं कि ये ड्यूटी कब से लगाई गई थी और कब से आपके पति को वहां पर काम करने के लिए भेजा जा रहा था? जी, हमारे पति को काम करने से मतलब 9 महीने से पूरे साल से हमारे पति से यही काम करवाया जा रहा है। लगातार करवाया जा रहा है सर जी। हम मना करते थे, हमारे पति मना करते थे, जबकि उनको बिजली का कार्य नहीं आता था, फिर भी जेलर सर जी उनको खूब धमका करके टॉर्चर करके करवाए हैं। हादसे के बारे में बताइए उषा जी, ये हादसा कैसे हुआ और अधिकारी, आप जब अधिकारियों के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची तो अधिकारियों ने क्या कहा? सबसे पहले इस हादसे के बारे में बताएं। हादसा सर जी ऐसे हुआ कि हमारे पति 6:15 पर, मान लीजिए 6 बजे गए जेल पर जेल लाइट बंद करने, जिसमें कि वो लाइट बंद कर अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी में लाइट बंद कर रहे थे, उसी समय ऐसा हादसा हुआ जिसमें आग निकली और मेरे पति झुलस गए, बिल्कुल जल गए। क्या जेल प्रशासन ने इस हादसे के बाद आपकी आपके पति की कोई मदद की? जी कोई नहीं, जेलर तक हमारे पति को कोई प्रशासन देखने तक नहीं आया। जेलर सर जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अकेले लेके जिला अस्पताल में पैसों की कमी की वजह से इसी सरकारी में पड़े हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, हम सब जगह गुहार लगा रहे हैं। उषा जी आप परेशान मत होइए, नेशनल लाइव आपको भरोसा दिलाता है कि आपको इंसाफ मिलेगा और जो लापरवाही जेलर ने की है, जो चिकित्सक अस्पताल में लापरवाही कर रहे हैं, उन पर एक कड़ी कार्रवाई करने का दबाव हमारे न्यूज चैनल की तरफ से बनाया जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, आप किस किस के पास गए इस हादसे के बाद, कौन कौन से अधिकारी के पास आपने जाकर गुहार लगाई? जी इस हादसे के बाद मैं कोतवाली गई, इंस्पेक्टर साहब से अपना बयान दी कि हमारे पति के साथ पूरा फोटो के साथ गई, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, वो हमको डीएम ऑफिस भेज दिए। जब हम डीएम के यहाँ गुहार लगाए तो डीएम ने जांच करने की कार्रवाई सुनाई, फिर इंतजार किए, जब वो नहीं सुना तो हम कल कमिश्नर सर से मिले, कल से भी कोई नहीं सुनवाई हुई, हम अकेले लेके पड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं मेरी मदद कर रहा है। उषा जी, जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, जिस जिला अस्पताल में आपके पति को भर्ती कराया गया है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं उनकी हालत के बारे में, इलाज किस तरीके का अस्पताल में कराया जा रहा है? हमारे पति का जो कि जले हुए हैं, कौन डॉक्टर होते हैं, वर्नल डॉक्टर बता रहे हैं, यहाँ के जो सीएमएस डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि बिटिया में वर्नल जले हुए का स्किन का डॉक्टर मैं नहीं हूँ, बस किसी तरह संभाल रहा हूँ, इसके लिए तुम कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकती हो तो आपके पति जल्दी अच्छे होंगे, पर मेरे पास पैसा नहीं कि मैं प्राइवेट में जाऊं सर, उन्हीं का हाथ पैर जोड़ के उन्हीं से इलाज ले रही हूं। चलिए उषा जी, आप परेशान मत होइए, रोइए मत, परेशान मत होइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिल पाए और जो भी लापरवाही कर रहे हैं इस पूरे मामले में, हम और अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उषा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, हम आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा मुद्दा आपने सुना, आपके सामने तस्वीर साफ है, पीड़िता इस वक्त नेशनल लाइव के साथ जुड़ी थी, उसने अपनी गुहार लगाई है, उत्तर प्रदेश के बदहाल सिस्टम की पोल एक पीड़िता ने खोली है, उस सिपाही की पत्नी ने खोली है, जो सिपाही हमारे ही सिस्टम का, उत्तर प्रदेश के सिस्टम का हिस्सा है। सिपाही हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए ना तो जेलर आ रहा है, ना उसे प्रॉपर चिकित्सक मिल रहे हैं। अधिकारियों के पास अगर वो पीड़िता अपनी गुहार लेकर जा रही है तो सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर उसे लौटा दिया जाता है। ऐसे में उषा बेहद परेशान है, उनके पति इस वक्त जले हुए हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में इलाज उन्हें सही नहीं मिल पा रहा है, चिकित्सक सही नहीं मिल पा रहे हैं और अधिकारी इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिला जेल का जो जेलर था, जेलर के ऊपर तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर उषा देवी ने लगाए हैं। उषा देवी ने कहा है कि जबरदस्ती उनके पति से इस तरीके के काम करवाए जाते थे, बिजली के काम करवाए जाते थे और काम न करने पर और विरोध करने पर यह भी कहा जाता था कि तुम्हारे सारे कागज खराब कर दिए जाएंगे, तुम्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन से सिस्टम के भरोसे उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी है और उत्तर प्रदेश की जनता बैठी है, ना पुलिस सही है ना चिकित्सा क्षेत्र सही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था का फायदा कहां से मिलेगा, चिकित्सा व्यवस्था का फायदा कहां से मिलेगा? ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा कौन? नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अधिकारी इस तरीके से करप्ट हैं, इस तरीके से लापरवाह हैं कि उन्हें आम इंसान के दर्द की कोई भी परवाह नहीं है। और यहां पर तो हम देख सकते हैं कि एक सिपाही है, कानून हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का ही एक नुमाइंदा आज हमारे सिस्टम से लड़ रहा है।
सिस्टम जब उसका कुछ नहीं कर रहा तो आम जनता के साथ आप सोच सकते हैं कि उसके साथ आम जनता के साथ कैसी स्थिति होगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर अधिकारी नेशनल लाइव का ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो समझ लें कि इस तरीके से लापरवाही करने से आप बच नहीं जाएंगे। एक तरफ जेलर लापरवाह, जेलर की मनमानी, दूसरी तरफ चिकित्सक लापरवाह है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। पीड़िता रो रही है, रो रो कर अपनी गुहार बार बार लगा रही है। अधिकारियों सबके चक्कर वो काट चुकी है लेकिन उस पीड़िता को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए कौन सी घुट्टी अधिकारियों को पिलानी पड़ेगी, सिस्टम में कौन सा ऐसा बदलाव करना होगा जिससे सब अपनी जवाबदेही को समझ जाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएं और लोगों के साथ ऐसा ना करें, आम जनता के साथ ऐसा ना करें। पूरा मामला कौशाम्बी जिले का है जहां एक सिपाही बिजली के चपेट में आकर झुलस गया था। झुलसने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल्स नहीं हैं। जिस तरीके से पीड़ित सिपाही की पत्नी ने हमें बताया, उषा देवी ने हमें बताया कि जो डॉक्टर इस वक्त पीड़ित सिपाही का इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर भी सही नहीं हैं। वो डॉक्टर्स भी जले हुए इंसान का इलाज करना नहीं जानते लेकिन वो इलाज कर रहे हैं, ये बात वो लोग खुद उषा देवी से कह रहे हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अधिकारियों की मनमानी का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस अंधे सिस्टम का जो पूरे तरीके से अंधा हो चुका है, जिसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि आम जनता के साथ कैसा सलूक हो रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसे सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, उसके साथ क्या समस्याएं हैं। एक महिला रो रो कर अपनी गुहार लगा रही है। अधिकारियों के चक्कर वो काट चुकी है लेकिन कोई भी उसकी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। उषा देवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, नेशनल लाइव के साथ उन्होंने अपनी बात साझा की है और उन्होंने रोते रोते अपनी इस बात को रखा है कि उनके साथ देने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि सब उनका साथ देंगे। प्राइवेट अस्पताल में वो अपने पति को ले नहीं जा सकती, परिवार गरीब है, इतना पैसा नहीं है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स इलाज कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पीड़िता सिर्फ दर दर भटक रही है और अपने पति की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांग रही है। खबर पर बात करेंगे, हमारे संवाददाता आयमान अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आयमान, इससे पूरे मामले को लेकर आपके अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, क्योंकि ये महिला उषा देवी हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ी थी और उसने अपनी बात रखी है। उसने कहा है कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के पास गई लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। क्या आपकी कोई बात हुई अधिकारियों से इस मामले को लेकर? जैसा कि बताना चाहेंगे, तहसील दिवस में शिकायत पत्र मिलने के बाद कमिश्नर इलाहाबाद अशोक कुमार गोयल ने घायल सिपाही के समुचित इलाज प्रबंध करने के आदेश जिलाधिकारी कौशाम्बी को दिया था। इसके साथ उन्होंने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। जी जी अयमान, जांच रिपोर्ट भी तलब की है और जिलाधिकारी को खर्चा उठाने के आदेश भी दिए हैं, तो क्या जिलाधिकारी की तरफ से कुछ जारी किया गया है? क्या अस्पताल को कुछ जारी किया गया है? क्या महिला को कुछ सुविधा जारी की गई है? जैसा कि बताना चाहेंगे, महिला को कोई सुविधा नहीं दी गई, न सिपाही को कोई सुविधा इसे दी गई है। सिर्फ जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है, जिला अस्पताल में बराबर इलाज भी नहीं हो पा रहा है सिपाही का, क्योंकि जो सीमेंस जो इलाज कर रहे हैं, उषा देवी का कहना है कि वो सही तरह से इलाज नहीं कर रहे, उसके डॉक्टर भी जले हुए, वो डॉक्टर भी नहीं है। फिर किसी काम करिए, आप इस महिला की गुहार को लेकर आप एक काम करिए, एक बार जिलाधिकारी साहब से मिलिए और इस महिला के साथ जिस तरीके की भी इसकी मदद हो सके, पीड़ित है, परेशान है, पैसा नहीं है, इनकी मदद के लिए कुछ कोशिश करिए। नेशनल लाइव लगातार इनकी कोशिश कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अयमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हालात खराब हैं, आदेश दे दिए गए हैं जिलाधिकारी कौशाम्बी को कि पूरा इलाज कराया जाए सिपाही का, जिस तरीके से वो परेशान है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पूरे मामले में नहीं हुआ है। नेशनल लाइव ये खबर प्रमुखता से इसलिए उठा रहा है क्योंकि हम सिस्टम से आप सबको अवगत कराना चाहते हैं, उस नई सरकार को हम सिस्टम से अवगत कराना चाहते हैं जो नई सरकार उत्तर प्रदेश को बदलने के तमाम दावे कर रही है। उस नई सरकार की आंखें हम खोलना चाहते हैं
जो नई सरकार तमाम दावे करते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। संजय गुप्ता बीजेपी विधायक हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। संजय जी, कौशाम्बी में एक सिपाही की पत्नी बहुत परेशान है, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के पास वो पहुंच गई है, लेकिन उसके पति का इलाज जिला अस्पताल में सही से नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? संजय जी, सवाल मेरा यह है कि एक सिपाही की पत्नी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी के पास तक पहुंच गई है, उसके पति की जलकर तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, हालत गंभीर है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपका सवाल सुन लिया हूं। मेरा कहना है कि जेल प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। एक बंदी रक्षक से एक इलेक्ट्रीशियन का काम लिया गया, जिसके दुर्घटना स्वरूप वो घायल हुआ और उसके इलाज के लिए आज माननीय प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जिले में आए हुए हैं और माननीय मंत्री जी ने भी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है और सीएमओ को भी निर्देश गए हैं। उस बंदी रक्षक का इलाज पूरा का पूरा होगा और जेल अधिकारियों के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा भी लिखा जा चुका है अधिकारियों के विरुद्ध, पूरी कार्रवाई होगी, उस पर एफआईआर हो चुकी है। संजय जी, अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी मनमानी और दबंगई जेलर की सामने आती है। जेलर को जब पता था सिपाही बिजली का काम नहीं जानता तो उसे बिजली का काम करने के लिए क्यों भेजा जाता रहा, क्यों किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा? मैं स्वीकार करता हूँ, जेल प्रशासन ने जो बंदी रक्षक था, न कि कोई इलेक्ट्रीशियन था, उसको गाना में इलेक्ट्रीशियन का काम दिया गया और जो एक्सीडेंट हुआ उसके चलते घटना, मैं स्वीकार करता हूँ और इस पे हमारा जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है, शासन को भी अवगत कराया जा चुका है और जेल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। संजय जी, अगर मैं चिकित्सक की बात करूं तो सरकारी अस्पताल में इस सिपाही का इलाज चल रहा है, लेकिन इनकी पत्नी से मेरी बात हुई थी, इनकी पत्नी अभी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी थी और वो बिलख रही थी, रो रही थी, परेशान थी, वो कह रही थी कि अस्पताल में इलाज भी सही से नहीं हो रहा है, एक चिकित्सक उन्हें सही से नहीं मिल रहा है। तो सोचिए आप सरकारी व्यवस्थाओं की क्या कुछ हालत है। सीएमओ ने इलाज में लापरवाही किया है, सीएमओ को दंडित किया गया है, सीएमओ को ट्रांसफर किया गया है इस जिले से, नए सीएमओ की तैनाती हो रही है और जिला चिकित्सालय के अधीक्षक को पूरे सीएमएस को पूरी निर्देश दिए जा चुके हैं और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी को कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलिए संजय जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे कि कब तक इस सिपाही का इलाज शासन प्रशासन की तरफ से कराया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ आपने बताया सीएमओ को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जेलर के साथ क्या कुछ होगा? आखिरी प्रतिक्रिया, जिले से हटा दिया गया सीएमओ को, सीएमओ को हटा दिया गया संजय जी, लेकिन जेलर के साथ क्या कुछ करेगी पुलिस, क्या कुछ आपका प्रशासन, क्या कुछ आपकी सरकार करेगी? नहीं, पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है, हम लोग भी देखने जाएंगे और हम लोग भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी कार्रवाई भी होगी और उनका पूरा इलाज होगा, उनकी जान पे कोई खतरा नहीं आ सकता, इलाज के अभाव में उन्हें कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो बीजेपी विधायक संजय हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद थे, हर तरीके का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया, उन्होंने कहा कि सीएमओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, जेलर के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। तो जिस चीज की उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को है उसी तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है क्या ट्रांसफर कर देने से उसकी स्थिति सुधर जाएगी, क्या ट्रांसफर कर देने से जो सीएमओ की लापरवाही है वो लापरवाही नहीं रहेगी। एक कड़ा कदम उठाने की जरूरत है चिकित्सा के क्षेत्र में भी और ऐसे अधिकारियों के लिए भी जो अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, छोटे लोगों पर अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर रौब झाड़ते हैं, मनमाने ढंग से उनसे काम करवाते हैं। इस पूरे मामले में उम्मीद है कि उषा रानी को इंसाफ मिलेगा और उषा रानी के पति का इलाज अब सरकार की तरफ से कराया जाएगा, जेलर के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हमें आश्वासन बीजेपी की तरफ से मिल चुका है।
तो उत्तर प्रदेश में जो पूरा सिस्टम है वो इस वक्त रिपेयरिंग मांग रहा है। जी हाँ, एक तरीके की रिफॉर्मिंग और रिपेयरिंग की जरूरत उत्तर प्रदेश के सिस्टम को है। इस पूरी खबर में हमने देखा कि किस तरीके से एक जेलर अपनी मनमानी करके एक सिपाही से वो काम करवा रहा था जो काम उसे आता नहीं था, और दूसरी तरफ हमने चिकित्सा का भी हाल देखा। इस एक पूरी खबर में हमने दो जगह का हाल देखा और दोनों जगह की हालत खराब है। बीजेपी की सरकार दावे कर रही है कि सारे सिस्टम को ठीक किया जाएगा, इस पूरे मामले में उषा रानी को इंसाफ मिलेगा, सिपाही को इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है कि ऐसे ही हर इंसान को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए नेशनल लाइव।